क्या स्कॉलरशिप के लिए मोबाइल नंबर आधार कार्ड में जरूरी है? क्या स्कॉलरशिप के लिए मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक नहीं है तो स्कॉलरशिप आएगी? क्या आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? और ये स्कॉलरशिप की डेट कब से कब तक है? चलिए फिर स्टार्ट करें। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रोन कुमार में आपका स्वागत है। जैसा आपको बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे और हमारे कुछ पर्सनल फ्रेंड भी फोन और कमेंट करके बता रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि भाई आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, या फिर अगर लिंक नहीं है तो क्या हम फॉर्म फिल नहीं कर सकते, या फिर आधार कार्ड में लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो क्या हम स्कॉलरशिप हमारी नहीं आएगी और कब से कब तक डेट है? तो हम उन लोगों को बताते हैं कि भाई देखिए, पहले तो आपको मतलब पहले लिंक कराना ही कराना जरूरी है। तो आप जो पूछ रहे थे मतलब लिंक नहीं है तो क्या जरूरी है, मतलब लिंक कराना जरूरी है, तो आपको बताते हैं हाँ भाई बहुत जरूरी है, लिंक करा लीजिए। और दूसरा मतलब किसी ने कमेंट किया था भाई क्या मतलब अगर लिंक नहीं है तो क्या हमारी स्कॉलरशिप आएगी? तो भाई आपको बता दें कि स्कॉलरशिप नहीं आएगी। आपको मतलब अभी लास्ट में प्रूफ भी दिखाएंगे कि क्यों नहीं आएगी, समाज कल्याण ने क्या बोला है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या बोला है। तो और दूसरा किसी ने पूछा था भाई क्या हम बिना आधार कार्ड पे मतलब मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है या फिर लिंक नहीं है तो फिर क्या हम स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं? तो आपको बताते हैं भाई नहीं भर सकते आप, क्योंकि समाज कल्याण ने पहले ही बता दिया है आपको कि मतलब आपका आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर स्टूडेंट का और बैंक में, यहाँ तक बैंक में भी और आधार कार्ड में भी, दोनों में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। तो चलिए फिर प्रूफ दिखाते हैं मतलब समाज कल्याण ने अभी क्या बोला है, मतलब यकीन ना हो तो मतलब दिखा देते हैं प्रूफ के तौर पे। चलिए फिर दिखाते हैं, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, दिखा देते हैं आपको स्क्रीन में, बगल में शो कर रहा होगा। तो जैसा यहाँ पे लिखा है, छात्रवृत्ति के लिए आधार से मोबाइल नंबर व बैंक खाते लिंक करना अनिवार्य है। मतलब मोबाइल से आधार नंबर और बैंक को लिंक करना अनिवार्य है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, ये न्यूज़ जो है आपको न्यूज़ भी दिखा रहा हूँ, मतलब कभी न्यूज़ है, फेक न्यूज़ नहीं है, जो आप लोग को लग रहा होगा फेक न्यूज़ है। तो ये 19 जून 2020 की न्यूज़ है, फ्राइडे की। तो चलिए सबसे नीचे आ जाते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं, नीचे क्या लिखा है आपको नीचे पढ़ के सुनाते हैं। तो सबसे स्क्रॉल डाउन नीचे करके आते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए, मतलब गड़बड़ी को जो सत्यापन में जो गड़बड़ी होती है, छात्रवृत्ति योजना में जो गड़बड़ी होती है उसे रोकने के लिए स्टूडेंट का जो स्टूडेंट है उसके आधार का सत्यापन कराया जाएगा, वेरीफाई कराया जाएगा। तो वेरीफाई कराने के लिए आपको मोबाइल नंबर जरूरी है। तो उसके लिए उसी के मतलब वही लिखा गया है, यही लिखा गया है यहाँ पे कि छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए छात्रों के आधार का ऑनलाइन सत्यापन यानी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। चालू, अब दूसरी नीचे पॉइंट लिखिए, चालू में चालू वित्तीय वर्ष में छात्रों के आधार नंबर के सत्यापन और OTP के बिना आवेदन सबमिट नहीं कराया जाएगा। मतलब बिना OTP के आप आवेदन सबमिट या फिर फॉर्म जो होता है आवेदन फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं कर सकते। तो चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा है। इसी प्रक्रिया में छात्राओं के नाम, पति पिता के नाम के बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। जैसे आपको यहाँ बता दें कि आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, उसी में OTP के थ्रू आपका जो है वेरीफाई किया जाएगा। तो चलिए फिर और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप देखते हैं फिर और नीचे क्या है। OTP भरने के बाद छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा, यानी कि आप OTP जब भरेंगे तभी जाके आपका ऑनलाइन जो फॉर्म फिल करेंगे वो स्वीकार किया जाएगा। और नीचे यहाँ पे लिखा है, आपको दिखा दें कि ये बोला जा रहा है यहाँ पे, जिन छात्रों का मतलब पहले से खुला हुआ है आधार कार्ड या फिर मतलब बना हुआ है और उनका या फिर अकाउंट खुला हुआ है, उसमें मोबाइल नंबर उनका रजिस्टर नहीं है, तो वो अपना जाके अकाउंट में और क्या बोलते हैं उसमें आधार कार्ड में जाके अपना रजिस्टर करा लें। रूप से आप पूर्ण कर लें बैंक में या फिर आधार कार्ड बैंक में और बैंक जो भी प्रोसेस है जो भी बता रहे थे वो पूर्ण कर लें। अन्यथा यहाँ पे तो बहुत अच्छी टॉपिक है, अन्य छात्रवृत्ति न प्राप्त होने की दशा में वो खुद जिम्मेदार होंगे। तो ऐसा में आप ऐसी गलती ना करें, आप पहले जाके अपना ऑनलाइन अगर चाहते हैं लोग आप अपना आधार कार्ड में ऑनलाइन मोबाइल नंबर रजिस्टर का लिंक करा लें। तो ऐसे जैसे आपको पता नहीं है कि मतलब कैसे कराया जाता, तो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, वीडियो के अंत में हमने वो वीडियो का नेक्स्ट दे देंगे, आप वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, कैसे अपडेट करना है या फिर कैसे कुछ करना है, तो उनका उस वीडियो में हमने पूरी डिटेल बताया है, तो आप जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब मोर वीडियो। थैंक यू।